मैं तुझे लेने आई हूँ बेटा। बाहर में सबसे कह के आई हूँ कि मैं तुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी। वो तुझे कुछ नहीं करेंगे फिर। देख, उन्होंने कहा है सुबह 5 बजे के बाद तुझे यहाँ से ले जा, नहीं तो वो अंदर आ जाएंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा बेटा। देखिए नानी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, पर ये मेरी सौम्य है ना, ये मेरी जान है, और मैं और इसका ये परिवार इसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन दरवाजा नहीं नानी, मैंने अपनी सासू माँ से एक वादा किया था कि मैं हमेशा सौम्या की रक्षा करूंगा। कितने लेके जाएंगी? बाहर देख नहीं रही? पूरा गुरदासपुर आके खड़ा हुआ बाहर, कितने लेके जाएंगी? ए बच्चा, साढ़े घर का बच्चा आ गया, ठीक है, इतो हिलेगा नहीं है, और तू कितने लेके जा रही? चुप रही। हाँ नानी, पूरा परिवार सौम्या के साथ है, इसको कोई छू भी नहीं सकता। पापा जी, लेकिन कब तक हम इस तरह से अपने घर के अंदर कैद रहेंगे? कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। है एक रास्ता। इसीलिए हम और में निकलना है सवेरे सवेरे, बिल्कुल उसने आंख लग दी है। बस 6 घंटे और, उसके बाद तो इन्हें बिल से निकलना ही होगा। ए, कोई सोएगा नहीं, आंखें गड़ा कर बैठो सबके सब, सवेरा होते ही खिड़की दरवाजे तोड़कर अंदर घुसेंगे हम। देखिए, आप हालात को समझने की कोशिश कीजिए, हालात ठीक नहीं है और आपका यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। जिस घर में किन्नर पैदा होगी उस घर में अनर्थ ही तो होगा। एमबी तो चली गई, लेकिन उसके कुकर्मों की सजा हमें ही भुगतनी पड़ रही है। एक काम कीजिए, आप हमारे घर पे चलिए, हम वहाँ आपको बहुत ही हिफाजत से रखेंगे। अरे हरगिज नहीं। के साए को घर से हम जिंदगी भर भगाते रहे और आज हम किन्नरों के घर में ही शरण ले ले। जीते जी, हम आपके चौखट पे कभी कदम नहीं रख सकते। हाँ, हम तुम्हारे घर में कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो हम आपको यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे ताकि आपकी सुरक्षा की जा सके। चलो, इन लोगों का जरूरी सामान बांधो। दीदी, लोग सोहम को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। यही तो फर्क है मनिंदर और निम्मी में। मनिंदर सारी जिंदगी भागता रहा और निम्मी मरते दम तक लड़ती रही। बस 1 घंटा और।
तुम लोग तैयार हो जाओ, एक घंटे में सब कुछ तोड़ डालना है। एक घंटा और है, एक घंटे के बाद वो लोग अंदर आ जाएंगे और मेरी सोमपुत्र को। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। क्यों आपको ऐसा लगता है कि सौम्य यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? अब कुछ नहीं होता, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। आरक्ष सिंह अभी जिंदा है। देखिए लाम कुछ पी लो। मैं नहीं है जी। अरे देखो अभी लड़ाई बहुत बाकी है और लड़ाई लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होगी, इसलिए दूध पी लो। नहीं हरमन जी, अभी सच में मन नहीं है। अच्छा अपने मन के लिए ना, मैं हरमन के लिए पी लो। अरे सोहन बाप की गोद में। उसका बाप उसे संभाल लेगा। चुपचाप दूध पियो और फिर से चुप करा लो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी? अरे इसकी आवाज रिकॉर्ड करो, जब ये बड़ा होगा ना तब इसे सुनाऊंगा कि ये कैसे रोता था। आप भी ना हरमन जी, ऐसे सब माहौल में आपको ऐसी बातें कैसे सुन सकती है? गुलाब को ये सब करूंगा तभी तो इस सीरियस माहौल में टेंशन कम होगा। पिलाते, भूख लगी होगी। बस देखा ना आपने, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि इस घर की छत के नीचे इस परिवार के होते हुए आपकी सोमो पुत्र का कोई पाल भी बाका कर सकता? हम कुछ नहीं होने देंगे उसे, जान दे देंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होने देंगे। फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी निम्मू होती तो उसे बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कि तुझे हमारा पूरा परिवार मिले। अपनी पूरी जिंदगी मेरी बच्ची इस चीज के लिए लड़ती रही। देख आज तेरे साथ तेरा पूरा परिवार खड़ा। माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे पुत्र, हमेशा सब साथ रहो, हमेशा खुश रहो। सुन, तू जरूरत का कुछ सामान पैक कर ले। ला दे सोम को, मैं दूध पिला देती हूँ। बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े।
कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोले खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या गांव वाले पूरी रात इंतजार करते रहे तेरे घर में रहने वाली किन्नर नानी को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की होगी, ध्यान रखना। चलो चलो जल्दी करो यार, हमको बस अड्डे पहुँचना है जल्दी। शेरा एक मिनट, जल्दी आओ। अरे सरपंच जी, गिनती गिनना छोड़िए, कोई है ही नहीं अंदर। लेकिन मामे, अंदर बच्चे के रोने के पास तो आ रही है। ए, सब छलावा, ए, चलो तोड़ो दरवाजा। गांव वालों, अब इंतजार किस बात का, जो दरवाजा तोड़ के घर में घुसते हैं। आओगे? आओ शेरा, आप दोनों जाओ, हम अभी इनसे निपटते, जल्दी चल। हम दोनों नहीं, आप सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं ना? जिद मत कर पुत्र, तुम लोग जाओ यहाँ से। ये तो पागल हो गई, तुम लोग यहाँ नहीं रुकोगे। हम लोग जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, वरना सब यहीं रुकेंगे और साथ में लड़ेंगे। शर्म कर शर्म, तेरे समाज की मान मर्यादा नियम कायदे कानून और उसके साथ हम सबका सब्र तोड़ा है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसके पहले इस किन्नर को बाहर निकाल कर से। इज्जत से बात कर सरपंच, बहू है वो हमारी। किन्नर तुम्हारी बहू? अरे किन्नर भी कभी बहू बेटियां होती है क्या? भानु लगाम ने मैं क्या डाली हो? मेरे घर की दलीज में खड़ा है, चुप कर जा वरना मैं कह रहे हैं। वरना? वरना क्या? बातचीत का समय खत्म हुआ जीजा जी, अब अपने फर्ज को निभाने का समय आया भाई, और निकालो उस किन्नर को इस घर से बाहर ढूंढ के। देखते क्या हो, छान मारो घर का कोना कोना, छान आगे मारो। उधर है मेरे बच्चे के साथ, पकड़ो।
संघर्ष किया है, समाज का कानून तोड़ा है, इसे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो। मुबारक हो गांव वालों, आज हमारे गांव से ये गंदगी भी खत्म हो गई। परंतु याद रहे, आज के बाद अगर किसी गांव वाले ने किसी भी किन्नर के साथ, अपने परिवार के साथ या समाज के साथ उसको हिस्सा बनाया तो उसका भी यही हश्र होगा। आई बात समझ में? याद रखना आप लोग, जो ताली बजाकर नाच गाकर लोगों के घर में उनके बच्चों को दुआएं देने के लिए पैदा हुई है, अगर वो खुद मां बनने की जरूरत करेगी तो उसका हश्र यही होगा। वरुण, देखता क्या है, ले ले अपना बच्चा। जी सरपंच जी, चलो एक बार तसल्ली तो कर ले। ये मर गई किन्नर, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। अरे कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम फालतू टेंशन मत लो, चलो यहाँ से।